स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश मास्टर। टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर पार्ट ऑफ आवर चैप्टर द थीफ स्टोरी। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था अनिल के बारे में। अनिल एक बॉय है जिसे थीफ जो नरेटर है स्टोरी का वो मिलता है और वो उसको अपना ईजी टारगेट समझ कर उससे फ्रेंडशिप कर लेता है, उसके घर चला जाता है, वो उसे कुकिंग के लिए एम्प्लॉय कर लेता है और बाद में वो उसके घर छोटी मोटी चोरियाँ भी करता रहता है। और एक दिन अचानक से वो देखता है कि वो बहुत सारे पैसों के साथ घर वापस आया है और वो सोचता है कि वो इन पैसों को स्टील कर लेगा, क्यों अगर उसने उनको नहीं चुराया तो वो उन पैसों को किसी और जगह पर वेस्ट कर देगा। तो अब हम आगे जानेंगे स्टोरी में क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील रीड दिस पार्ट एंड वील गेट टू नो वॉट दिस क्वेश्चन टॉक अबाउट। रीड एंड फाइंड आउट। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। आपको क्या लगता है जो थीफ है वो क्या सोचता है कि अनिल अगर वो चोरी कर ले तो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो बुरा मानेगा अच्छा मानेगा, वो हम स्टोरी पढ़ के पता लगाएंगे। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। और वो क्या बताता है उन लोगों के बारे में जिनकी चोरियां कर ली जाती हैं, वो किस तरह के रिएक्शंस देते हैं उसके बारे में। Does Anil realize that he has been robbed? क्या अनिल को realize होता भी है कि उसके घर में चोरी कर ली गई है। So these are the three questions that are to be answered after reading this part of the story. So let's begin. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल क्या कर रहा था, सोया हुआ था और जो मून लाइट थी रोशनी थी, तो आप यह इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल नाइट, इट हैड मून लाइट और वो बालकनी से छनकर उसके बेड के ऊपर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। तो थीफ कहता है मैं कहाँ बैठ गया, फ्लोर पर ही बैठ गया और मैं उस सिचुएशन को कंसीडर करने लगा कि अब मुझे करना क्या है। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अब यहाँ वो planning कर रहा है कि अगर मैं इस पैसे को चुरा लूँ तो मैं क्या करूँगा, 10:30 पे एक express train है जो लखनऊ को रवाना होती है, उसमें बैठ के चला जाऊँगा। Slipping out of the blanket, I crept up the bed. तो मैंने क्या किया, अपने blanket से slip out यानी बाहर निकला and crept up. Creeping up means crept up, रिंग कर दूसरी जगह जाना। मैं उस बेड पर गया जिस पर अनिल सोया हुआ था। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। तो अनिल को हम देख सकते हैं कोई डर नहीं था। ही वॉज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट द मनी ही ब्रॉट विद हिम एंड ही डिड नॉट फाइंड एनी डाउट ऑल्सो, दैट्स वाई ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। सो दैट शोज द केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन। Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. कहता है उसका चेहरा बहुत साफ सुथरा था लेकिन मेरे फेस पर बहुत सारे मार्क्स थे और वो कैसे दिखते थे, जैसे कि scars यानी कुछ दाग धब्बे भी हों। My hand slid under the mattress. कहता है मेरे हाथ ने slid अंदर की तरफ मैंने हाथ को डाला, कहाँ, mattress यानी गद्दों के नीचे, searching for the notes. And what I was finding about the currency. तो उसने उन notes को ढूंढा। When I found them, I drew them out without a sound. और बिना शोर किए, बिना आवाज किए मैंने क्या किया, मैंने उस पैसे को बाहर निकाल लिया। Anil sighed in his sleep. अनिल ने एक लंबी सांस ली सोते हुए and turned on his side. और दूसरी तरफ मुड़ गया। Towards me, और वो साइड किस साइड उसने करवट बदली, मेरी साइड। I was startled, मैं एकदम चौंक गया and quickly crawled out of the room, और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। So this is the action part of the story where we get to know that even after treating so well, thief did not change his mind, he stole the money and he came out of the room. आगे देखते हैं क्या होता है। When I was on the road, अब हम देखते हैं कि उसने क्या किया, पैसे चुरा कर वो घर से भाग आया और वो थीफ जो था वो कहाँ पर था, रोड पर था। आई बिगैन टू रन, कहता है मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने उन पैसों को अपनी वेस्ट यानी कमर से बांध कर रखा हुआ था।
हिल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज, जो मैंने पैजामा पहना हुआ था उसकी स्ट्रिंग, यानी उसमें जो स्ट्रिंग जो जिससे हम कमर पर बांधते हैं उसमें मैंने उस पैसे को बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, कहता है मैंने अपनी वॉक को थोड़ा स्लो डाउन किया और मैंने उन पैसों को गिना। 600 रुपीज इन 50s, यानी 50-50 के कितने नोट थे, 600 रुपीज थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। सो हियर ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद एन अरब मैन जिसके पास ऑयल बेचकर बहुत सारा पैसे आ जाते हैं। तो कहता है मैं ऐसे ही किसी अरबिक की तरह अमीर हो गया था, जैसे कि उसने ऑयल को बेच दिया हो और बहुत सारे पैसे मिल गए हों। ठीक उसी तरह मैं भी अमीर हो चुका था और 1-2 वीक ऐसे ही मैं अमीरों वाली लाइफ जी सकता था। सो आफ्टर सीइंग दिस अमाउंट ही नेवर इवन हैड अ थॉट ऑफ अनिल इन्वेस्टेड, ही हैड सम अदर प्लान्स हाउ ही वुड बी सर्वाइविंग इन फ्यूचर। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, कहता है जब मैं स्टेशन पर गया तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। अब वो यहाँ रीजन देता है वो क्यों नहीं रुका, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक भी टिकट परचेज नहीं किया था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा कहाँ चला जाता था, प्लेटफॉर्म पे चला जाता था। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरिएजेस। कैरिएजेस मीन्स होते हैं रेल के डब्बे। कहता है लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ से बस शुरू हुई हुई थी मूव होने के लिए और उसने अपनी स्पीड जस्ट पिकअप की थी और मैं चाहता तो दौड़ कर उसके किसी ना किसी कैरिएज यानी डब्बे में सफ़र कर सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचा गया फॉर सम रीजन। सो ही डज नॉट ओपन अप अबाउट द रीजन, ही सेज दैट ही गॉट हेजिटेटेड। आई कॉन्ट एक्सप्लेन, कहता है मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरह से मेरे सामने ही ट्रेन चली गई और मुझे वो जो मौका मिला था मैंने उसको खो दिया। सो हियर इन दीज लाइन्स वी फाइंड दैट देर इज आर इनर कॉन्शियंस। सो दिस इनर कॉन्शियंस डजेंट अलाउ हिम टू लीव अनिल लाइक दैट एंड डिसीव हिम टेकिंग हिज मनी एंड रनिंग आउट ऑफ द प्लेस। तो यहाँ हम देखते हैं उसकी अंतरात्मा जाग जाती है। कहता है मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि रीजन क्या था, मैं क्यों रुक गया, मैं चाहता तो वहां से भाग सकता था बट मैं नहीं भागा। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड मीन्स क्योंकि रात थी, सर्दियों की रात थी, ऐसे टाइम में कोई भी जल्दी हमें सड़कों पर नहीं मिलता। कहता है ट्रेन जा चुकी थी और मैं वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे जो बिल्कुल वीरान पड़ा था खड़ा हुआ था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये रात मैं कहाँ स्पेंड करूँगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मुझे तो ऐसा ही लगता था कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपके लिए हेल्प कम और ट्रबल ज़्यादा होते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और कहता है मैं नहीं चाहता था कि कोई क्यूरियस हो जाए, जानने की कोशिश करे कि मैं किसी भी होटल्स के पास वहाँ छोटे से स्टेशन पर क्या कर रहा था। लाइक यहाँ कोई इस पर डाउट कर सकता था कि वो वहाँ पर अकेला क्यों था और उसके पास बहुत सारे पैसे थे, इसलिए उसे डर था कि वो डाउटफुल केस बनना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। कहता है इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति था जिसे मैं सच में जानता था तो वो कौन था, वो वही व्यक्ति था जिसे मैं लूट कर आया था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। कहता है अब मैंने वहाँ से स्टेशन को छोड़ दिया और मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ चल पड़ा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसिस वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। कहता है मैंने छोटे से करियर में जब मैं चोर बना तो मैंने पूरी स्टडी जो की है इंसान के फेस की, उसमें मैंने देखा है कि वो जब उनकी चीज़ें खो जाएं तो उनके चेहरे पर किस किस तरह के भाव आते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो क्या दिखाता है, फियर दिखाएगा, डर जाएगा। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर होता है वो क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब जो होता है वो उसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड थेफ्ट
वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। मैं जानता था अनिल एक केयरलेस बंदा था, अगर उसे पता भी चले कि उसकी चोरी हो गई है तो क्या होगा, उसके चेहरे पर थोड़ा सा दुख आएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो दुख किस लिए होगा, मनी के लिए नहीं बल्कि ट्रस्ट के लिए होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ आर सेकेंड क्वेश्चन हियर, वॉट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल वेन दे आर रॉब्ड। किस किस तरह के रिएक्शन लोग देते हैं जब की चीजें चुरा ली जाती हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सेट डाउन इन अ बेंच। कहता है मैं एक खुले एरिया में गया और वहाँ एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवम्बर, नवम्बर की अर्ली नवम्बर थी, लाइक स्टार्टिंग थी नवम्बर की और सर्दी काफ़ी थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और वहाँ पर जो एक रोशनी थी जो छन कर मेरी तरफ आ रही थी उससे मैं बेचैन हो गया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, और जो बूंदा बांदी थी वो किस में बदल गई, तेज बारिश में बदल गई। माई शर्ट एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन, कहता है मेरे कपड़े मेरी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और वो जो ठंडी ठंडी हवा चली मेरे चारों तरफ चेहरे को डिस्कम्फर्ट दे गई। तो हम देख सकते हैं यहाँ कंडीशन अब खराब हो चुकी है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सिट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, कहता है मैं बाजार गया और क्लॉक टावर जो था उसके नीचे शेल्टर जो थी वहाँ बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जब मैंने देखा आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, कहता है मैंने उस करेंसी के बारे में सोचा जो मेरे पजामा के स्ट्रिंग से बंधी हुई थी, वो कैसी हो चुकी थी, रेन से भीग चुकी थी। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, अगर शायद ये मनी उसके पास होती तो वो मुझे इसमें से 2 या 3 rupees देता कि जाओ सिनेमा चले जाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो ये मेरे पास सब की सब थी। I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. कहता है अब मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसके लिए मील्स बनाऊँ, बाजार के चक्कर काटूँ या लंबे लंबे सेंटेंस और लिखूँ। I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं ये सब चीज़ें चोरी करने की एक्साइटमेंट में सब भूल गया था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees, और ये अच्छे अच्छे sentences जो उसने मुझे सिखाए थे ऐसे कुछ 100 rupees से ज़्यादा कमाने में मेरे काम आ सकते थे। It was a simple matter to steal, और ये अच्छा तरीका होता चोरी का। And sometimes just as simple to be caught, और ये अच्छा होता अगर मैं पकड़ा जाता। But to be a really big man, a clever and respected man was something else, कहता है लेकिन एक बड़े आदमी के लिए, एक चालाक आदमी के लिए या एक ऐसा आदमी जिसकी सब में रिस्पेक्ट हो, वो उसके लिए पढ़ाई लिखाई कुछ और ही होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इन ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो बजाय इन सब चीज़ों के मुझे वो समथिंग एल्स फाइंड आउट करना चाहिए जो क्या है पढ़ाई करने से मिलती है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए और मुझे सीखना चाहिए कि कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मीन्स बिना पकड़े, कहता है मैं दौड़कर भागकर जल्दी से नर्वस होता हुआ वहाँ पहुँचा, क्योंकि चुराना तो आसान है लेकिन बिना पकड़े उसको वापस करना बहुत मुश्किल है। आई ओपन्ड द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। देन स्टूड इन अ डोरवे, और मैं दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जो रात थी वो क्लाउडेड थी, बादल देखे जा सकते थे। अनिल वॉज स्टिल अजलीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं चुपचाप सराहने गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और वो पैसे मैंने जेब से निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, उसकी सांस मैंने अपने हाथ पर फील की। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं वहीं कुछ देर के लिए स्टिल हो गया, बिल्कुल बेजान जैसा हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और कहता है मैंने उस किनार को देखा जो मैट्रेस की थी, और वहाँ मेरा हाथ अंदर की तरफ गया और वो पैसे मैंने अंदर
रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जागा तो मैंने देखा कि अनिल चाय तैयार कर चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी। स्ट्रेच आउट मीन्स होता है फैलाना। उसने मेरे तरफ अपने हाथ फैलाए। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसके हाथ में कितने 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट सैंक। मुझे लगा मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा शायद उसने मुझे पहचान लिया है या मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और उसने बताया कि कुछ पैसे कल मुझे मिले हैं और अब तुम रेगुलर बेसिस पर मैं तुम्हें पेमेंट्स दिया करूँगा। लाइक यू आर बींग हायर्ड इन अ प्रॉपर वे एज माई एम्प्लॉई। तो यहाँ हम देखते हैं कि राइटर ने उस चीज़ को बताया है कि उसने पता नहीं उसे पता चला भी था या नहीं, लेकिन उसने उसको अवॉइड कर दिया था। माय स्पिरिट्स रोज। वो कहता है मेरी अंतरात्मा जाग उठी। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। और जब मैंने उस नोट को हाथ में पकड़ा तो मैं फील कर सकता था कि वो नोट अभी भी रात की बारिश की वजह से गीला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। और उसने मुझसे कहा कि आज हम जो है क्या स्टार्ट करेंगे, सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। मैं समझ चुका था कि वो जान गया था कि मैंने रात क्या किया था, लेकिन ना तो उसके लिप्स ना ही उसकी किसी एक्सप्रेशन या आईज से मुझे पता चला कि वो जान चुका था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। कहता है और ये जानकर मैं अनिल की तरफ बहुत अपीलिंग वे में मुस्कुराया। एंड द सेम केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और कहता है पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो मुस्कान थी बिना किसी एफर्ट के मेरी लिप्स पर आई थी। तो दैट मीन्स अनिल्स गुड बिहेवियर वॉज एबल टू मेक हिम रियलाइज दैट ही शुड नॉट डू सच बैड थिंग्स लाइक थीफरी आर अनदर थिंग्स। इंस्टेड ही कुड बी गिवन अ चांस टू बी इम्प्रूव्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टोरी में रस्किन बॉन्ड हमें बताते हैं कि किस तरह से उसके बिहेवियर ने, यानी एक मैसेज है हम सबके लिए, अगर कोई गलत रास्ते पर है तो हमारे अच्छे बिहेवियर दूसरों को कैसे माइंड चेंज करने में, माइंड सेट चेंज करने में और सोसाइटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो विद दिस मैसेज आई जस्ट वॉन्ट टू क्लोज दिस चैप्टर। विल सून मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड।